मेरा नाम रजत है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला इतिहास विभाग का एमए का छात्र रहा हूँ। आज मुझे डिग्री मिलनी थी। और आपने अपनी डिग्री लेने से मना क्यों कर दिया आज? क्योंकि आपको पता ही होगा कि देश भर में एनआरसी और सीए को लेके एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, और उसी क्रम में 19 तारीख को हमारे साथी भी अपना विरोध जताने सड़क पर उतरे थे। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें जबरदस्ती वहाँ से उठाकर ले गई और जेल में बंद कर दिया। कहाँ से उनको उठाया गया? एक ही जगह से उठाया गया, मेनली स्टूडेंट्स को बेनियाबाग से, और कुछ स्टूडेंट्स को पहले ही उठा लिया था, रास्ते से उठा लिया था और दशाश्वमेध थाने में रखा था। तो आप लोग को क्यों नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि 144 धारा लागू था, तो प्रदर्शन तो अलाउड ही नहीं था ना। ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन क्या 144 के उल्लंघन में 7 CLA और 353, 332 जैसी धाराएं लगती हैं? क्या दंगे की धाराएं लगाई जाती हैं? दंगों के आरोप में बिल्कुल, हमारे पास कल उनका FIR आया, उसमें क्लियरली ये धाराएं मेंशनड है। तो हमारा विरोध उसी को लेकर था कि अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक, तो आप इस तरह से सप्रेस करते हैं कि उस पे आप उसको दंगाई घोषित कर देंगे। ये उसके बाद अखबार में आया, ऊपर से फोटो के साथ है कि पहचान लो इन दंगाइयों को और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो, आपने देखा था वो? बिल्कुल पता नहीं, हमने देखो फोटो देखी नहीं, चर्चे उसके सुने हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस, यूपी पुलिस किस तरह का काम कर रही है, ये राइट टू प्राइवेसी का हनन है। आप इस तरह से, वो कहाँ है, आप प्रूफ तो आपने दिया नहीं, आपने उसको लेबल कर दिया, जनता तो उसको अब दंगाई मानेगी ना। बनारस में किसी तरह उस जगह पे कोई ऐसी हिंसा हुई ही नहीं है। ये आप लोकल लोगों से बात कर लीजिए, उस समय जब डिटेन किए जा रहे थे, जब अरेस्ट किए जा रहे थे, उस समय की आप वीडियो देखिए, तमाम प्रदर्शनकारी उस समय लाइव थे और पता नहीं कैसे वहाँ दंगे की बात की जा रही है। बेहद शांतिपूर्ण तरीके से उन्हें बसों में बैठाया गया, छात्र और सभी लोगों ने कॉपरेट करते हुए उनके साथ बैठे, उनके नारे थे हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये कैसा राष्ट्र विरोधी नारा है, मुझे तो नहीं लगता। तो मीडिया ने बिना कन्फर्म किए इसे छाप दिया, अब वो उनका चॉइस है, वो क्या कर रहे हैं इस पर तो हम नहीं कह सकते ना कि मीडिया क्या कर रही है। नहीं, अगर बिना कंफर्म किए उन्होंने छापा है, यानी पैसा लेके या पुलिस के दबाव में छापा है उन्होंने, ऐसा तो कहा जा सकता है? किसके दबाव में छापा गया है ये तो क्लियर है ना, दबाव तो है। अच्छा, दबाव तो है, तो शांतिप्रिय तरीके से विरोध तक नहीं करने दिया जा रहा है। आज यूपी पुलिस छात्रों का कन्वोकेशन हुआ है? लगभग पूरे बैच का होता है। कितने हैं टोटल? करीब 8 लाख। आज तो 8 सोशल का अगर देखे तो 2,500 लोगों का, उसमें से केवल एक ने मना किया डिग्री लेने से। अब ये छात्रों पे है, बहुत छात्र अपनी डिग्री और साफे को नीचे रख के अपना विरोध किया, तमाम तरीके से लोगों ने अपने विरोध दर्ज कराए हैं। मुझे ये लगा कि मुझे मैं डिग्री इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मेरा रूम पार्टनर बंद है, और मेरे साथ के लड़के जो मेरे साथ जिन्होंने BA किया, MA किया, वो जेल में। आप कौन से गांव से हैं? मैं देवरिया से। देवरिया से। और ये जो साथ के जो अधिकतर लड़के हैं कहाँ, कौन से? देखिए BHU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ लड़के राजस्थान से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, इवन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, कुछ फॉरेन स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो इस तरह से जो भी जिसे भी लगता है कि गलत है तो वो अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का प्रैक्टिस तो कर सकता है। अच्छा, आप सड़क पे जब लोगों से बात करते हैं, छात्रों को छोड़ दीजिए अभी, क्या आपको लगता है आपकी बात समझ रहे हैं लोग? आप क्या एक सड़क में बान वाले से या घाट से किसको ये बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं लोग, और वो जिस तरह से मीडिया का रवैया है इससे शायद वो बोलने से कतराते हैं, लेकिन आप आम बातचीत में आपको समझ आएगा कि वो बेसिकली उनका क्या राय है। तो अभी क्या होना चाहिए? अब क्या उनको, कितने लोग अभी भी जेल में, कितने लोग को छोड़ा गया है? छोड़ा आज 8 लोगों को गया है, जो दशाश्वमेध थाने से जिन्हें डिटेन किया गया था, और उन पे 151 के अंडर उनको रखा गया था, और अभी भी लगभग
56 लोग अंदर हैं जिन पे ये सीरियस चार्जेस हैं। कितने स्टूडेंट हैं? लगभग 20 स्टूडेंट हैं। तो अभी क्या करेंगे आप लोग? क्या हम लोग इसी तरह से क्रिएटिव तरीकों से अपनी बात पहुंचाते रहेंगे कि उनकी रिहाई की बात हो। सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन, जो भी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन जिसका भी भरोसा हो, उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बनारस में स्टूडेंट्स गिरफ्तार हैं। तो जिन पर अगर गिरफ्तार है तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मतलब अगर नागरिक को लोग पुलिस मार दे रही है या पकड़ ले रही है और स्टूडेंट को कर रही है, तो स्टूडेंट को मार दे रहे हैं, आपकी बात जो कह रहे हैं कि नागरिकों को मारा जा रहा है, उसका भी यहाँ विरोध करते हैं कि आप इस तरह से नहीं कर। पुलिस की ड्यूटी है कि प्रोटेस्टर को प्रोटेक्ट करे, ना कि प्रोटेस्टर पे गोलियां चला दे। तो ये कहना कि छात्र हैं, बिल्कुल छात्र हैं, उन पे गलत धाराएं लगाई गई हैं। और बाकी नागरिकों, बाकी नागरिक जो हमारे साथ हैं, हम जब ये हम अपने केस में देख रहे हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे दंगे का आरोप लग रहा है, तो बाकी जगह पे क्या हो रहा होगा? इंटरनेट बंद थे बीच में, क्या क्या हुआ होगा, हम कुछ कह नहीं सकते।